हाउस बाय कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज ये देहाती चिकन लाए हैं, जो एगो फॉर्म पर के होता है, एगो देहाती होता है गांव में पलता है वो वाला। तो वो चिकन बना रहे, तो उसके लिए मसाला तैयार। देखिए, पहले तो हम सिर्फ चिकन मसाला दिए हैं, लहसुन दिए हैं और फिर थोड़ा सा हल्दी दिए हैं, ज़्यादा मसाला नहीं दिए, और प्याज, धनिया पत्ता और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के दे दिए, और सब मिला के बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट मिक्स करते हैं उसको बढ़िया से। तो इसको इस और उस ऊपर से ही तेल, कच्चा तेल डाल देते हैं, और जितना मतलब कि पड़ना चाहिए। जैसे 1 किलो मटन है तो इसमें आधा किलो प्याज दिए हैं, और 50 ग्राम लहसुन दिए हैं, और 50 ग्राम से कम ही आदी दिए हैं, और ये मीट चिकन मसाला ढेर सारा दिए हैं, और इसके अलावा कोई मसाला नहीं दिए, हल्दी दिए हैं, धनिया पत्ता है, सब मिला के मिक्स कर रहे हैं। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करवाते हैं। रेस्ट करवाने के बाद उसके बाद गैस चढ़ा के और कढ़ाई पर चढ़ा दिए, गैस चला के कढ़ाई पर, और कम ताव, जो कम होता है ना, कम करके ढक दीजिए, और हाथ धो के आप अपना सारा काम करिए। आधा आधा घंटा पर आके 2 बार चला दीजिए। 2 बार से 3 बार चलाने से हो जाता है, देखिए इतना अच्छा धीरे धीरे पकता है, पानी देने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, एकदम इष्टू बनता है, अपने ही पानी छोड़ता है, और कम आँच पर इतना और इतना टेस्टी बनता है, और बनाने में इतना आसान है कि कोई मेहनत है ही नहीं बनाने में इसको। बस सब चीज़ कटिंग करके और इसमें मिलाइए और रख दीजिए कम करके। तो ये देहाती, जो देहाती चिकन बोला जाता है इसको, गांव में पलता है, वहाँ से लाए हैं, ये मार्केट में नहीं मिलता है, गांव वाला ही देता है, तो वही चिकन है ये। तो ये महंगा भी मिलता है, और बोलते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, और ये इसमें कोई उतना बीमारी नहीं होता है जितना कि फॉर्म पर वाला में बीमारी होता है। तो अगर खाना है तो सही चीज़ खाइए। देखिए, दूसरा बार चलाएं तो इतना हो गया, एकदम पक गया है। तो ये लगता है कि आँच को तेज कर दिया है, इसे कम ही आँच पर पकाना होता है, तो एकदम नहीं सटेगा, सटने सटे उठेगा एकदम नहीं। और आप मतलब कि उधर सारा काम कर लीजिए, चावल बना लीजिए, सब और कुछ बनाना है भी, और बीच बीच में आके चला दीजिए, और बन के तैयार हो जाएगा। इतना आसानी से बनता है गाइस कि बता नहीं सकते, बहुत आसानी से, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। तो प्रयास कीजिए बनाने का, और ज़रूर बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ये लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इतना आसान तरीका बनाने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हांडी मीट मीट बनता है ना, उसी तरह से ये बनता है कढ़ाई में। फिर इसको कम करके ढक दिए हैं, भी देखिए ऐसे पानी, जितना देरी आप ढकिएगा लास्ट तक से पानी छोड़ते रहेगा, प्याज गलते रहेगा, पानी छोड़ते रहेगा। तो ये सूखा ही, इतना ही सूखा, रोटी पराठा के साथ खाइए। अगर चावल खाना है तो थोड़ा बहुत पानी आप डाल सकते हैं चावल के साथ, नहीं तो कंपलसरी ऐसा ही सब खाता है। तो आधा घंटा पर चला दीजिए एक बार, ये तो बहुत देर देर तक चला रहे हैं ऐसे, तो एक बार चला दीजिए। और लहसुन डालिए, और लहसुन डाल के इसमें खाने से बोलते हैं कि बहुत टेस्टी लगता है। गाइस, हम नहीं खाते, हम वीगन भी हैं और मीट मछली भी नहीं खाते, तो हम ये सब नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए अगर आप बना के देखिए, अगर आप खाते हैं नॉन वेज तो बना के ज़रूर देखिएगा इस तरीके से, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ऐसे ही अब हो चुका है, पराठा के साथ खाना है या रोटी के साथ तो इसे तैयार है। अगर आप चावल उबल के साथ खाना है, 2-4 आदमी बढ़ गया तो आप चाहिए तो इसमें पानी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। देखिए, थोड़ा बहुत पानी डाल के ग्रेवी दी है, ऐसे बिना पानी के बनता है ये, बन के तैयार हो चुका है, निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए, बन के तैयार हो चुका है। तो थैंक यू गाइस।